दिग्गज सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम स्वामी का निधन हो गया है। जी हां, मशहूर सिंगर के निधन की खबर सुनकर भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, साल 2020 एक के बाद एक झटके देता जा रहा है। ये साल हर किसी के जीवन में मनहूसियत लेकर आया है। ऐसी ऐसी खबरें सुनकर कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड में हर दूसरे दिन शोक की लहर दौड़ गई है। जी हाँ, तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी कहीं पीछे नहीं है। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इस खबर को सुनकर शोक का माहौल है। आपको बता दें कि एसपी बाला सुब्रमण्यम स्वामी का शुक्रवार दोपहर 1:04 पर निधन हो गया। यह बीते महीने कोरोना से संक्रमित हुए थे। जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, वहाँ से गुरुवार को स्टेटमेंट जारी किया गया था। उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। स्टेटमेंट जारी करने के बाद लोग काफ़ी परेशान भी हो गए थे। जी हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस खबर पर शोक जताया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री की अक्षरा सिंह भी शामिल है। जी हाँ, अक्षरा सिंह ने भी इस खबर पर शोक जताया है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, जिसके बाद उन्होंने बाला सुब्रमण्यम स्वामी को श्रद्धांजलि दी है। जी हाँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जी हाँ, इस बात का सबको दुख है कि सबने इतने दिग्गज सिंगर को खो दिया। हम दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप भी दुआ कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।